हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा एक क्वेश्चन को बनाना है। सिंपल एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाते देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललग्राम आर इन द रेशियो 5:7। इफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललग्राम इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो मतलब देखते हैं कि एक पैरेललग्राम है, पैरेललग्राम ऐसा होता है, ठीक है, और उसके एडजेसेंट साइड्स मतलब ये साइड ठीक है, ये एक रेशियो में है, 5:7 के रेशियो में है, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है इसका पूरा पेरीमीटर मतलब इसका पूरा बाउंड्री हमारा 72 सेंटीमीटर आता है। तो हमें कहा जा रहा है कि इसके साइड्स के लेंथ को फाइंड करना। तो हम देखते हैं कि पैरेललग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल रहता है, मतलब कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और देखते हैं कि हम और अगर ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा, और देखते हैं कि हमें कहा जा रहा है 5:7 के रेशियो में है, तो हम लोग इस वाई को भी एक्स मान सकते हैं। कैसे मान सकते, देखते हैं। अगर हम लोग इस साइड को 5 मान लें, 5 वाले रेशियो को मान लें और 5x कर दें इसको, और ऊपर वाले साइड को 7 कर दें और 7x कर दें, तो ये एक रेशियो में रह जाएगा और हमारा ये साइड हो जाएगा, ठीक है, एक्स में ही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है पेरीमीटर इसका 72 है, मतलब टोटल बाउंड्री सबको प्लस करके, मतलब कि देखते हैं हमें इसका साइड निकाला, तो कैसे निकालते हैं? देखते हैं कि हमें कहा जाता है पेरीमीटर इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि ये साइड और ये साइड 5x हो गया, और ये साइड और ये साइड 7x हो गया, और पेरीमीटर टोटल सम ऑफ बाउंड्रीज होता है, मतलब कि 5x + 5x + 7x + 7x होता है टोटल। और हमें कहा जा रहा है कि टोटल इक्वल टू हमारा 72 सेंटीमीटर है, इन सभी को प्लस करके 72 सेंटीमीटर है, तो इससे हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा एक साइड में सारे x वाले नंबर्स हैं, देखते हैं x के साथ 5 है, तो एक साथ है x के साथ 5 है, x के साथ 7 है, और x के साथ 7 है, और इधर 72, इधर भी कुछ, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं और यहाँ कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर ये नंबर पर ये इसके साथ में मिलके ये भी वेरिएबल है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, हमें कुछ इधर के नंबर को इधर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम लोग प्लस करते हैं। तो देखते हैं हमारा 5 + 5 10 हो जाएगा, 10x, और हमारा 7 + 7 14x हो जाएगा। हमें इन दोनों को भी प्लस करना है, 72 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24x। और देखते हैं अब हमें x का वैल्यू फाइंड होने वाला है। देखते हैं कि हमारा 24 एक कांस्टेंट है और 72 कांस्टेंट है, और हमारा ये x वेरिएबल है, और हम लोग वेरिएबल हमें नहीं पता है ये वैल्यू x का, तो हम लोग कैसे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इधर भी कुछ हम लोग सॉर्ट नहीं कर सकते, अब सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वेरिएबल को इधर रहने देते हैं और 22 को इधर ले आते हैं। कैसे लाते हैं, देखते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं कि एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल साथ लिखा गया है, 24x लिखा गया है, तो उसके बीच में 24 × x का लगाया गया है, तो हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 3 times में सॉल्व हो जाएगा और हमारा x = 3 हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं कि हमें कहा जा रहा था कि हमारा 5 और 7 के रेशियो में है, और वैसे ही करके हमने इस साइड को 5x और इस साइड को 7x माना। और देखते हैं, हम जैसे कि मैंने कहा एक नंबर साथ में लिखा है हो तो उसके बीच में मल्टीप्लाई कैसे, मतलब 5x लिखा है तो उसके बीच में 5 × x है, तो हम देखते हैं अब 5x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। लिख देते हैं, देयरफॉर 5x इक्वल टू 5 × 3, 3 हमारा x हो गया और हमारा 15 हो जाएगा। और देखते हैं कि ये साइड इक्वल टू ये साइड होता है, तो इस ये साइड का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये साइड का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और ऐसे ही हम लोग अब 7x का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं 7x हमारा 7 × x होगा, और x का वैल्यू हमें 3 आ रहा है, तो 7 × 3 हमारा 21, मतलब कि इसका वैल्यू 21 हो जाएगा, और इसका दोनों अपोजिट साइड्स है तो इक्वल होगा, तो इसका भी वैल्यू 21 हो जाएगा।
तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।